तुम चाहती हो तुम्हारा पति तुम्हारे इशारे पर रहे, तुम चाहती हो कि वो तुमसे इतना प्रेम करे कि रहे वो तुम्हारे वश में। पति वशीकरण एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वशीकरण, एक ऐसी दुनिया जिसे तुम स्थापित कर सकती हो, तुम वो कर सकती हो तुम्हारे लिए जो अन्य कोई नहीं कर सकता। तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति तुम्हारी बात माने, तुम्हारे आगे पीछे घूमे, तुम जिस दिशा में उसे ले जाओ वो तुम्हारे साथ जीवन में कदम से कदम मिलाकर चले, वो शराब ना पिए, अन्य किसी की बातों में ना आए, वो किसी के बहकावे में ना आए, जैसा इस पवित्र बंधन में तुम्हारे साथ बंधा है, जीवन के हर कदम में तुम्हारे साथ, तुम्हारी बोली बोले, तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। तब एक छोटा सा किया गया प्रयोग, एक ऐसा अद्भुत वशीकरण, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, ना कोई यंत्र, ना कोई माला, पति को वश में करने का आज एक अद्भुत प्रयोग लेकर आई हूँ, एक अद्भुत वशीकरण लेकर आई हूँ। चुपचाप कर लेना मेरी बहनों, पति तुम्हारे चरणों में होगा, प्रेमी तुम्हारी गुलामी करेगा, जो तुम चाहती हो वैसे जिएगा अपनी जिंदगी, जैसा चाहती हो वैसी बातें करेगा, तुम्हारा हाथ थामेगा, जीवन के हर कदम पर तुम्हारा साथ निभाएगा। कोई सौतन हो तो भूल जाएगा रातों रात, किसी के बहकावे में आकर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करता हो, तुम्हारी बात ना मानता हो, तुमसे प्रेम ना करता हो, तो हर चीज से दूर हो जाएगा, वो बंध जाएगा तुम्हारे प्यार में, वो होगा संपूर्णतम तुम्हारे वश में। आज एक अद्भुत चमत्कारिक पति वशीकरण लेकर आई हूं। एक बार से तीन बार तक किया गया यह प्रयोग आपको 1000% सफलता देगा, आप स्वयं देखेंगे चमत्कार। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों, मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, पढ़ लेती हूँ आपका चेहरा, कर्म है कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। मेरी बहनों, रविवार के दिन किया गया एक छोटा सा प्रयोग आपके पति को 100% आपसे बांध देगा, आपसे जोड़ देगा, वह आपकी बोली बोलेगा। कई लोगों ने, कई मेरी बहनों ने मुझे लिखा है कि दीदी हमारे पति हमसे बात नहीं करते, हमारी बात नहीं मानते, सिर्फ मेरी ही बातें उसे बुरी लगती है, हमने सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, हमारा दाम्पत्य सुख छिन गया है, हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है, ये घर अब नहीं बचेगा, मुझे बचा लीजिए दीदी। आज एक सही नियत से, सही भाव से इस वशीकरण के पीछे छुपे इंटेंशन को समझिए, मुझे एक घर बचाना है, मुझे एक दिल टूटने से बचाना है, ये रिश्ता नहीं टूटने दूंगी मेरी बहनों, आपका घर नहीं टूटेगा। रविवार के दिन किया गया यह प्रयोग आपके पति को 100% आपके वश में करेगा, आप एक बार करके देखिए। चलिए सीधे वशीकरण पर आती हूँ, क्या करना है, कैसे करना है, किस दिन प्रारंभ करें और कैसे करें कि ये 100% सार्थक हो। सर्दियां है संपूर्ण विश्वास के साथ, और भूल कर भी इसकी चर्चा किसी से ना करें, किसी को ना बताएं, किसी की मदद करना चाहते हैं तो ये वीडियो भेज दीजिए आप उसे, परंतु ये ना कहें कि मैंने किया है, ये किया गया वशीकरण कार्य किया हुआ भी टूट जाएगा, फिर पुनः करना पड़ेगा आपको। भूल कर भी इसकी चर्चा किसी से ना करें, समझ लें, सीख लें, सफलता के साथ करें। संडे के दिन स्नान करने के बाद, प्रथम स्नान कर ले, पूजा पाठ करते हैं कर ले, जिस स्वच्छता का बहुत ध्यान रखेंगी मेरी बहनों, केवल महिलाओं के लिए है या पुरुष ना करें, पत्नी के लिए ये उनके लिए अलग है, ये नहीं, ये सिर्फ पत्नियों के लिए। स्नान करने के बाद एक नई ब्लेड या नया नेल कटर ले, जिसे इससे पहले कभी इस्तेमाल ना किया गया हो, अपने दसों उंगली की, हाथ की दसों उंगली और अपने पैर की दसों उंगली के नाखून को चुपचाप मुंह बंद करके काट लें। जब आप नाखून काटें तो आपका मुख पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर हो, पूरब या उत्तर मुंह करके कभी ना बैठें,
या एक तामसिक वशीकरण सिखा रही हूँ आपको, आप पश्चिम या दक्षिण की ओर मुख करके बैठ जाएं, एक नए ब्लेड या नए नेल कटर से अपने दशों उंगली हाथ की और दशों उंगली पैर की यानी 20 नाखून काट लें। काट के कागज में पुड़िया बनाकर उसे मोड़ लें। जिस नाखून में आपके, जिस उंगली में नाखून बहुत कम हो, आप कहें कि नाखून ही नहीं उससे भी थोड़ा सा चाहिए, ऐसा ना हो ये 19 हो जाए, फिर वशीकरण भी 19 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आपको 100% सफलता चाहिए, 20 में से 20 नाखून आप काट कर एक पुड़िया बांध लें। इन सारी प्रक्रिया के दौरान मुख से कुछ ना कहें। यह आपने दिन को करनी है, दिन को आपने नाखून को बांध के कहीं रख देना है। फिर आप अपनी दिनचर्या में लग जाइए, खाना पीना खाओ, दूसरों को खिलाओ, स्वच्छता से अपने घर में समय बिताओ। जब रात्रि का समय आ जाए, रात हो जाए, समस्त भोजन बन जाए, सब कोई खा ले, आप भी खा लीजिए, शांत हो जाए वातावरण, अब कोई कार्य न बचा हो शेष, मस्तिष्क में उथल पुथल ना हो, शांत हो मन, तब इस 20 नाखून को उठाना है आपको और एक कपूर के माध्यम से इसी कागज को खोल दें और इसी पर एक कपूर रख दें, लेकिन खुला हो ऊपर आंगन, यानी आंगन हो या छत हो परंतु खुला हो, किसी स्टील की प्लेट पर, किसी की लोहे के पात्र पर, किसी पर भी इस कागज को रख दें जिस पर आपने नाखून रखे हो, जिस पर आपने कपूर रखी हो, और इसे आग लगा दें। जब यह जले तो ध्यान से उस अग्नि में अपने पति के चेहरे को देखने का प्रयास करें, बहुत क्षण भर में जल जाएगा, कपूर है, 10 सेकंड 20 सेकंड हार्डली 1 मिनट तक भी नहीं जलेगा। तो उस अग्नि में अपने पति के चेहरे को ध्यान से देखें, देख पाएंगे, ये ईश्वर ने हमें ये शक्ति दी है, हम अनुभूति करके किसी को भी देख सकते हैं, कहीं पर भी, जल में, अग्नि में, यह वशीकरण है, खुले में करें, आंगन हो या छत हो, बालकनी, जहां खुला हो, आसमान दिख रहा हो, जला दें, हाथ ना लगाएं, कागज जल जाएगी जैसे का तैसा रहेगा, कपूर जलकर उड़ जाएगी, परंतु ये जो 20 नाखून का राख है वो एक जगह इकट्ठा रहेगा। आपको ये राख कलेक्ट कर लेनी है, एक कागज में मोड़ लेनी है, किसी पात्र में रख लेनी है, सिर्फ नाखून वाला राख, कुछ नहीं बचता, बहुत कम रहता है, ध्यान से देखेंगे आप, वो आराम से 20 नाखून की राख कलेक्ट कर पाएंगे। बहुत सकारात्मक विचार मन में रखिए, ऐसा नहीं पति को अब इशारे पर नचाऊंगी, उसकी सारी संपत्ति ले लूंगी, अब उसको मजा चखाऊंगी, नहीं, कोई भी नकारात्मक बातें मस्तिष्क में आई, ये वशीकरण खत्म हो जाएगा और परमात्मा आपको दंड देगा, सो अलग। सकारात्मक बातें, मुझे मेरा घर बसाना है, हर हाल में मुझे दाम्पत्य सुख चाहिए, मेरे पति जो दिशाहीन हो रहा है, मुझे उसे दिशा देनी है, अब जीवन भर हाथ में हाथ थाम कर चलना है ना, अच्छी भावना के साथ परमात्मा से हमारे तार जुड़ते हैं जब हम वशीकरण करते हैं। भूल कर भी कोई गलत भाव मत रखना, फिर दंड मिल जाएगा तुम्हें, अच्छी बात है, वो उदंड हो गया है, मुझे उसे लाइन पर लाना है। सीधी बातें हैं, मेरे सास ससुर दुखी है, उसकी हरकतों की वजह से अब वो अभी सुखी हो जाएंगे, मुझे मेरा प्रेम मिल जाएगा, अच्छे विचारों के साथ। आज रात्रि आपने किया ये पाउडर जो थोड़ा सा कलेक्ट किया, इसे रखे रहिए, यह तामसिक वशीकरण है, मैंने कहा ना इसका पूजा पाठ से कोई संबंध नहीं है। अगले दिन, उसके अगले दिन जब भी संभव हो, ये तो आपने संडे की रात को करके रख लिया, किसी भी नॉन वेज में, यदि आपका पति मांस मछली खाता है तो जब भी नॉन वेज पकाएं और पति का जो कटोरी में आपने नॉनवेज निकाला है उसमें इस राख को थोड़ा सा भी मिला दें, थोड़ा ही रहेगा, इतना कण रहेगा कि इसका कोई नुकसान नहीं होगा, आप उसे मिला दें, आपका पति इसे अवश्य खाए। अब यदि आपका पति शाकाहारी है, ना खाता हो, तो किसी पेय पदार्थ में, परंतु वह सफेद होना चाहिए, जैसे दूध हो, छाछ हो, लस्सी हो, परंतु वह सफेद हो, शुक्र का सूचक हो, तो आप किसी पेय पदार्थ में भी इस पाउडर को मिलाकर उसे दे सकती हैं, वो पी सकते हैं। यहां आपने यह किया और वहां चमत्कार हुआ, चमत्कार ऐसा वैसा चमत्कार नहीं होगा, पति आपकी बोली बोलना प्रारंभ कर देगा। यदि बहुत ज्यादा समस्याएं हो तो एक संडे, 2 संडे और 3 संडे तक आप यह कार्यक्रम करें, हर संडे यह करें 3 संडे तक, पर ना एक बार भी कर लिया आपने
तो देखिए क्या असर होता है, कैसे पूर्णता आपका पति होता है आपके वश में। अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।